उत्तराखंड को 4 महीने में अपना तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 5 बजे पुष्कर धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके नाम पर शनिवार दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहर लग गई थी। ये बैठक देहरादून में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की मौजूदगी में हुई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में किसी दूसरे नाम की चर्चा तक नहीं हुई, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया और सबकी सहमति से उन्हें अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के सभी नेता राजभवन पहुंचे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज शपथ ग्रहण समारोह में वो राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद खटीमा में उनके घर पर जश्न का माहौल है। उनके परिवार और पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मूल रूप से पिथौरागढ़ के रहने वाले पुष्कर धामी का बचपन खटीमा में ही बीता। पुष्कर खटीमा से ही इस बार दूसरी बार विधायक का चुनाव जीत कर आए और विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद पुष्कर धामी ने अपना पहला इंटरव्यू आज तक को दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं। सर, एक तो मुबारकबाद आपको इस आपके सिलेक्शन के लिए। इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और साथ में प्रदेश नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड के, मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सिपाही के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर दिया है। मेरी पार्टी मेरी माँ है, जैसे एक हमको जन्म देने वाली माँ होती है, एक जहाँ हम जन्म लेते हैं वो जन्मस्थली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी भी मेरी माँ है। उन्होंने मुझे हमेशा एक आंचल की छांव देने का काम किया है, मेरा विकास किया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने बिना पृष्ठभूमि के विधायक बनाया, बहुत सारे दायित्वों को दिया। तो आज पार्टी ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान किया है, तो मैं पूरे प्राणोपरण से जो मेरी पार्टी की अपेक्षाएं हैं, मेरी माँ की जो अपेक्षाएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिस रेस में आज आप आगे बढ़ गए, जो बाजी मार गई, उस रेस में काफी लोग थे, तो आपको लगता है कि वो शायद निराश हो, आप सबको साथ लेके कैसे चलेंगे? देखिए, जितने भी लोग, चूंकि हमारे यहाँ पार्टी में सभी लोग, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी भी करते हैं, सबको जो है आगे आने का अवसर भी होता है, लेकिन पार्टी देश काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला करती है। और जो मेरे सीनियर लोग हैं वो सब, और जो लोग पार्टी में जो दावेदार थे, वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं, वो मेरे से भी काबिल हैं। मैं उन सब के साथ मिलकर जो उत्तराखंड की जनता का हित है, हमारी पार्टी का जो काम है, उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप एक युवा नेता के तौर पर आगे आए हैं, उभरे हैं, किन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे, आपका रोड मैप क्या होगा इन 6 महीनों के लिए? देखिए, पिछली जो हमारी सरकार रही है उसने बहुत सारा रोड मैप बनाया है, और 4.5 साल तक सरकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, उन कामों को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो 1 साल में 3 मुख्यमंत्री आए, आपको लगता है कि इससे भाजपा के इमेज और परसेप्शन पे एक फर्क पड़ा, जिस वजह से शायद 2020 में 22 में इलेक्शन लड़ते हुए फर्क पड़े ग्राउंड पर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और उत्तराखंड से विशेषकर उनको अत्यधिक प्रेम है, और यहाँ पर 4 धाम के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला के प्रोजेक्ट बन रहे हैं 1000 करोड़ के, इसके साथ साथ कोरोना काल में इतना सारा काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम हो रहा है, हमारी बागेश्वर रेल लाइन का जो है सर्वे हो रहा है, तो ये सारे काम बहुत तेजी से जो है हो रहे हैं, और ये सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है किसने काम किया है और किसने केवल तुष्टीकरण किया है। आप मानते हैं कि जो कोविड मैनेजमेंट हुआ है स्टेट का वो सही से हुआ है? हाँ। कुंभ मेले के दौरान काफी सारी बातें हुई थी कि सुपर स्प्रेडर इवेंट है, फेक टेस्टिंग रैकेट सामने आया था। नहीं, उस पर तो सब कार्रवाई चली रही है, लेकिन यहाँ पर कोरोना काल में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। एक आखिरी सवाल, कल आप शपथ लेंगे, आपके साथ और भी मंत्री शपथ लेंगे? इस पर अभी हमारा होमवर्क चल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए, ये थे उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, जो इस वक्त अपने समर्थकों से मिल रहे हैं यहाँ पर भाजपा कार्यालय में। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पौलमी साहा, देहरादून, आज तक।